I think there was always this sense of pure try karna hai. But NSIT happened by God's grace. NSIT is a fantastic college as well. तो बहुत ही ambitious goal के साथ मैं बहुत सारे MBA consultants के पास गई कि सर मुझे या तो कोलंबिया जाना है या हार्वर्ड जाना है या स्टैनफोर्ड जाना है या शिकागो पूछ जाना है. I'm 2024 job market especially for engineers is not very good. So do you recommend the new people who are coming in the industry or the new people who are joining colleges right now? Hello and welcome to College Wala. मेरा नाम है वंशिका और आज हमारे साथ हैं एक बहुत special guest. हमारे साथ हैं महक गर्ग, डायरेक्टर ऑफ पीजी प्रोग्राम मास्टर्स यूनियन. वेलकम मैम. थैंक यू सो मच वंशिका मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. सो मैम, एज वी नो अबाउट योर जर्नी फ्रॉम इंजीनियरिंग टू देन वर्किंग इन कॉर्पोरेट टू देन गोइंग टू स्टैनफोर्ड एंड देन बीइंग द डायरेक्टर एट मास्टर्स यूनियन, व्हाट डू यू थिंक इज द हाईलाइट? प्लीज वॉक अस थ्रू योर जर्नी. श्योर. So I think tried really hard for IIT. IIT ne mujhe accept nahi kiya kyunki I didn't get a rank that time. I put on 10 kgs of weight. So worked really hard for that. But I think there was always this sense of pure try karna hai. But NSIT happened by God's grace. NSIT is a fantastic college as well. From there got my internship at Texas Instrument. Texas Instrument mein bahut mehnat ki 2 mahine ki PPO mil jayega. बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर उन्होंने सेल्स में किसी को पीपीओ नहीं दिया. ओके. तो मैं काफ़ी निराश हो गई थी और मैं फिर वापस कॉलेज आई, वापस प्लेसमेंट्स में बैठी. और उस टाइम पे फुल टाइम प्लेसमेंट्स जो हर कॉलेज में होती है, हर प्लेसमेंट में रिटन टेस्ट थे. राइट. एंड मैंने क्वांट्स प्रैक्टिस नहीं की थी क्योंकि मैं उस समर टाइम पे इंटर्नशिप कर रही थी. बाकी जो लोग इंटर्नशिप नहीं कर रहे थे वो क्वांट्स प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था फुल टाइम प्लेसमेंट्स में यही होना है. तो मेरी आधा बैच प्लेस हो गया था बट मेरी शॉर्टलिस्ट भी नहीं आ रही थी. एंड थैंकफुली नोमिरा केम. उसका कोई रिटन टेस्ट नहीं था, सिर्फ इंटरव्यू था. सो आई गॉट थ्रू नोमिरा थैंकफुली. आई वाज ओनली वन ऑफ द टू पीपल सेलेक्टेड फ्रॉम एनएसआईटी टू गेट इनटू नोमिरा इन दैट ईयर. एंड नोमिरा 3 साल बाद आई थी. तो आई थिंक आई वाज जस्ट वेरी फॉर्चुनेट मोर देन एनीथिंग एल्स. राइट. 1.5 साल नोमिरा में काम किया विच इज़ इन मुंबई, एक्स लीमन ब्रदर्स. इट्स अ जापानीज इन्वेस्टमेंट बैंक. एंड नोमिरा के बाद मैंने अपने फादर के बिजनेस में थोड़ा टाइम काम किया. वो आर्टिफिशियल लेदर बनाते हैं. तब मुझे समझ आया कि मुझे बिजनेस नहीं आता है. इंजीनियरिंग हैज़ प्रिपेयर्ड मी फॉर एनालिटिकल स्किल्स, एक्सेल कैसे करनी है, परसिस्ट कैसे करना है, बट धंधा कैसे चलाना है वो नहीं आता था. सडनली यू आर जस्ट 22-23 एंड यू आर टेकिंग डिसीजन फॉर सो मेनी पीपल एंड आई एम लाइक मुझे क्या पता डिसीजन कैसे लेते हैं. सो दैट्स व्हेन दिस बग ऑफ कि नहीं एक बार MBA करते हैं. एंड ऑनेस्टली इन माई जर्नी आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग वेरी अर्ली इन माई लाइफ. जब वो PPO नहीं कन्वर्ट हो रहा था तब मैं काफ़ी मेंटली स्ट्रेस थी कि यार सबकी प्लेसमेंट्स लग रही है, मेरी ही नहीं लग रही है. आई एम टॉप 10% इन माई कॉलेज. I was introduced to Brahma Kumaris. So वहाँ से I started doing a lot of manifestation, started doing a lot of, मतलब एक होता है ना कि आपको सोच सही रखनी है और आपको अपने बुरे टाइम पे बस चलते जाना है, बिकॉज अदरवाइज आप वहीं अटक जाओगे. सो वही चीज़ की. एंड देन जब स्कूल्स भी अप्लाई करना था कि इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल्स जाना है, क्योंकि इंडिया में आई फील मैं इतनी डर गई थी प्लेसमेंट से. मैंने कहा मेरे को फिर से IIM IISB में ही सब प्लेसमेंट रैट रेस नहीं करनी है. तो मैं स्टैनफोर्ड इज इक्वली डिफिकल्ट, आई मीन मोर डिफिकल्ट आई गेस अ लॉट ऑफ देन अ लॉट ऑफ दी स्कूल्स हियर. आई एग्री स्टैनफोर्ड इज वेरी डिफिकल्ट, बट आल्सो आई फेल्ट कि इंडियन एजुकेशन मैंने देखा हुआ था एंड आई फेल्ट कि जो बाकी स्कूल्स भी हैं वो अभी भी उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं जैसे कॉलेज में पढ़ा रहे थे. और बहुत सारे जो लोग भी हैं वो लोग कॉलेज के बाद तुरंत चले जा रहे हैं IIMs में. तो आई वाज लाइक क्या नया सीखूंगी मैं, वही सेम लोग, वही सब कुछ. तो दैट्स लाइक चलो ऐसे एकदम कुछ हाई सोचते हैं कि नहीं यार कुछ तो बड़ा करना है. तो आई थिंक सिर्फ सोच बड़ी थी और ना रिज्यूमे बड़ा था ना GMAT में मार्क्स बड़े थे. 730 का स्कोर था मेरा, विच इज वेरी लो फॉर अ आईवी लीग काइंड ऑफ कॉलेज. आप अगर स्टैनफोर्ड का एवरेज देखोगे वो 730 है, पर स्टैनफोर्ड का इंडिया का एवरेज, लाइक इंडियंस का एवरेज 760 होगा मिनिमम. वो ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे टेस्ट टेकर्स हैं. राइट. तो आई हैड अ 730 GMAT एंड मेरे को था मुझे अच्छे ही कॉलेज में जाना है, बिकॉज देयर वाज दिस रिग्रेट कि IIT नहीं हुआ था.
एंड आई वाज लाइक यार आईआईटीज को बहुत भाव मिलता है, तो या तो किसी अच्छे कॉलेज में जाएंगे या फिर कोई नहीं. मेरा ऐसा नहीं था कि एमबीए करनी ही करनी है. देयर इज दिस सेंस यार, करनी है तो अच्छी जगह से करनी है, नहीं तो इट्स ओके, नहीं करते. तो बहुत ही एम्बिशियस गोल के साथ मैं बहुत सारे एमबीए कंसल्टेंट्स के पास गई कि सर मुझे या तो कोलंबिया जाना है या हार्वर्ड जाना है या स्टैनफोर्ड जाना है या शिकागो पूछ जाना है. उनने मेरी प्रोफाइल ली और बोला मैम आपकी बिल्कुल औकात नहीं है, प्लीज थोड़ा नीचे आ जाइए. एंड दैट्स व्हेन आई लाइक आई डोंट वांट एनी ऑफ यू, मैं खुद अपनी कंसल्टिंग करूंगी, मैं खुद अपना ऐसे लिखूंगी, सब कुछ खुद करूंगी. माय ब्रदर वाज देयर टू मेंटर मी, तो उन्होंने काफी मुझे, बिकॉज ही वाज इन यूएस फॉर 6 इयर्स, तो ही अंडरस्टूड द लैंग्वेज रियली वेल. आई थिंक वो नहीं होते तो मुझे कैसे उनको वो समझ आए जो मैं लिख रही हूँ, बिकॉज यू नो इंग्लिश में भी नुआंसेस होते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं. बट एनी वेज, फास्ट फॉरवर्ड, कोलम्बिया एंड स्टैनफोर्ड बोथ एक्सेप्टेड मी. मैं पहली वुमेन हूँ फ्रॉम NSIT की 50 साल की हिस्ट्री में दैट हैज बीन एक्सेप्टेड टू स्टैनफोर्ड एंड ओनली द सेकेंड स्टूडेंट एवर. तो मेरे लिए काफ़ी बहुत ही ज्यादा इट कंटिन्यूज टू बी लाइक आई स्टिल द टाइम आई एम लाइक ओ माई गॉड यू नो आई वॉज वेरी ब्लेस्ड दैट दे एक्सेप्टेड मी. स्टैनफोर्ड 2 साल वॉज मैजिकल, बहुत ही बहुत कुछ सीखा, इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों से इंटरेक्शन किया, कोई किसी कंट्री से, कोई किसी कंट्री से, कोई इजराइल में फर्स्ट वुमेन हु यू नो वाज पार्ट ऑफ द आर्मी, ऐसे लोग थे. वाओ, तो सीखना बहुत हुआ. एंड इंडिया से हमेशा बहुत प्यार रहा है, इंडिया में वापस आने का भी बहुत श्योरिटी थी. सो आई वाज लाइक कि स्टार्टअप करनी है स्टैनफोर्ड. वैसे ही आपको ऐसा कि नहीं सबको स्टार्टअप करनी चाहिए लाइफ में, वैसा ऐसा डोज दे देता है मुझे लगता है. तो आई फेल्ट कि ये ग्रीन कार्ड की तलवार के साथ कुछ नहीं करना है. तो आई अंडरस्टैंड द इंडिया मार्केट बेटर एंड इंडिया में इतनी ग्रोथ हो रही है, तो इट जस्ट फेल्ट लाइक अ बेटर आइडिया टू कम बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट. तब मेरी एक क्लासमेट थी स्टैनफोर्ड की, उनके साथ स्टार्ट किया था. 100 करोड़ की फंडिंग भी रेज की थी इन्फोएज अल्फा वेव से. वो स्टार्टअप एजुकेशन में ही थी पहले, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चली, तो हमने 70 करोड़ वापस भी कर दिए थे इन्वेस्टर्स को. उसके बाद मैं सोची थी अब क्या करना है, तब मास्टर्स यूनियन की अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई. एंड आई फेल्ट कोई ऐसा जना है जो सोच रहा है कि इंडिया में ही स्टैनफोर्ड हार्वर्ड लेवल का बिजनेस स्कूल कैसे चालू करें ताकि मुझ जैसे लोगों को बाहर ना जाना पड़े. एंड मुझे लगा यार विजन में दम है और जेन्युइनली हार्वर्ड स्टैनफोर्ड टाइप इंस्टीट्यूट इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आज हमारी इकोनॉमी इज द 6th largest, 7th largest इन द वर्ल्ड. उसके बाद भी एक भी इंडियन बिजनेस स्कूल ऐसा नहीं है जो ग्लोबल टॉप 10 रैंकिंग में भी है. राइट, तो लाइक यार गैप तो है. एंड आफ्टर गेटिंग दैट एजुकेशन इन US और यहाँ पे देखने के बाद ऐसा लगा नहीं कुछ तो बनाते हैं. एंड विच इज़ वेयर आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू जॉइन द मास्टर्स यूनियन टीम एंड आई एम लीडिंग देयर फ्लैगशिप PG प्रोग्राम. तो ये मेरी जर्नी है. Thank you so much for walking us through. It's been a long journey at a very young age. Honestly, you have so much of experience. You're also Forbes 30 under 30. I checked. That's amazing. Ma'am, so I'll start from the very beginning. तो आपको क्यों, आपको मतलब पहले से पता था कि usually when people get in engineering they are like कि tech में ही जाना है, coding करनी है. तो आपको पहले से clear था वो कि नहीं मुझे non-tech side जाना है, because आपकी internship was also sales based, right? You said. तो आपको पहले से clear था that or that opportunity clicked then you decided कि नहीं मुझे non-tech side जाना है. ये बहुत अच्छा question है वंशिका. At that moment I was open to both engineering roles and non-engineering roles. बट एक नेचुरल आपको समझ आता है कि यार मेरे को इंट्यूटिवनेस इंजीनियरिंग में नहीं थी. लाइक आई सॉ सम ऑफ माय क्लासमेट्स, इवन दो आई वाज जेन्युइनली इन द टॉप 10% ऑफ माय कॉलेज, तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं. मैं ऐसे वो मगने वाले बच्चों में से हूँ कि ऐसे मार्क्स निकाल लेती हूँ मैं. आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट आई एम टेलिंग कि यार मार्क्स निकालना इज नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. क्या आपको वो सब्जेक्ट समझ आ रहा है, क्या आपको उसमें इंट्यूशन बन रही है, क्या आप उसमें कुछ ऐसा कर पा रहे हो जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं. तो मुझे कॉन्स्टेंटली लगता था कि यार इंजीनियरिंग में आई एम नॉट नेसेसरली द स्मार्टेस्ट, बट व्हेन इट कम्स टू अ लॉट ऑफ बिजनेस साइड, नॉट लाइक बिजनेस डिसीजन मेकिंग, बट इवन लाइक सेल्स कैसे करनी है, ऑपरेशंस कैसे करने हैं, सप्लाई चेन कैसे मैनेज करनी है, उस सब का एक्सपीरियंस नहीं था. बट इट जस्ट फेल्ट लाइक अ बेटर फिट फॉर हु आई वाज. हो सकता है अगर मुझे कोई इंजीनियरिंग में रोल मिला होता तो शायद मेरी ट्रैजेक्टरी बहुत डिफरेंट होती. बट एट दैट मोमेंट जस्ट फेल्ट मोर नेचुरल एंड सेल्स करने में मज़ा आया पहली बार, जबकि
पहली बार में जितने उस कंपनी में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में इंटर्न्स ज्वाइन किए थे, आई वाज द ओनली वन दैट समर हु गॉट अ सेल ऑफ एक्स वाई जी अमाउंट. ओके, तो मुझे ऐसा बोल दिया गया था आपको तो पक्का पीपीओ मिल जाएगा, उसके बाद भी नहीं दिया. एनीवेज, लाइफ इज नॉट इजी, राइट? So yeah, I didn't know at that time ki whether I want to go into sales or in engineering, but I think once I did sales, then I went into Nomura. Ab dekhiye, Nomura to bilkul hi alag tha. Yeah. Na wo sales tha, na wo engineering tha, wo finance tha. Dekho, pehle to puchna chahiye Nomura engineering college kyun aa rahe hai, right? Wo unki fir matlab they are probably seeing ki engineers mein hustle hai. Yeah. Wo log jugaad karke naya kuch samajh lenge. तो फाइनेंस में मज़ा आया काफ़ी, सीखने को भी काफ़ी मिला वहाँ पे. अगेन लाइक आई फील दैट ट्रैजेक्टरी गेम में मोर एक्सपोजर कि हाँ नॉन इंजीनियरिंग में और क्या क्या ऑप्शंस हैं भी. सो उनका इंटरव्यू प्रोसेस इन एवरीथिंग व्हेन दे कम टू अ कॉलेज इट इज़ नॉट फाइनेंस बेस्ड, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ इट वाज मोर नंबर बेस्ड. ओके, उन्होंने ऐसे पजल्स कराई, कुछ ऐसे नंबर्स पूछे कि अच्छा ये रेशियो कैसे डिफाइन करोगे ये वो. एंड मैंने एक आध कोई ऑनलाइन फाइनेंस के कोर्सेज उस वक्त ऐसे ही शौक में किए थे, तो वो मैंने रिज्यूमे में वो भी डाला हुआ था. तो उसके थोड़े बहुत टर्म्स मुझे बेसिक आते थे. ओके, सो आई फील एनीवेज नॉलेज अक्रॉस नेवर गेट्स वेस्टेड. एग्जैक्टली, क्यूरियोसिटी है अगर आप में, आप कुछ सीख रहे हो वो कब कहाँ काम आ जाए, दैट यू नेवर नो. वेरी ट्रू मैम. 2024 जॉब मार्केट स्पेशली फॉर इंजीनियर्स इज नॉट वेरी गुड. So do you recommend the new people who are coming in the industry or the new people who are joining colleges right now to go forward with engineering, or do you feel that they are better, matlab ab jo safe option tha engineering ki ye lag jaye is har mil jaye college se to mil hi jayegi achhi job, to wo ab nahi raha engineering, what do you feel? Vanchika, I think jo hum soch rahe hain, I think jis tarike se hum engineering padh rahe hain aaj apne colleges mein wo relevant nahi bacha hai, right? Kyunki bahut sari jobs jo ki say koi jana चैटबॉट पीछे कर रहा है या फिर कोई जना आईटी का बेसिक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टेक्नोलॉजी इज़ नाउ मूविंग रियली रियली फास्ट. आप सोचो हम लोग इंजीनियरिंग में, एंड आई वाज ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड व्हेन आई विजिटेड वन ऑफ द कॉलेजेस फॉर अ स्पीकर सेशन, दे वर आस्किंग द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस जो मैं 15 साल 10 साल पहले पूछ रही थी. एंड आई वाज लाइक, बट दुनिया तो बहुत सारी चेंज हो गई है, राइट? व्हाई इज नो वन आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट एआई? व्हाई इज नो वन टॉकिंग अबाउट यू नो क्रिप्टो, ब्लॉकचेन? ये नए टर्म्स तो कोई भी नहीं पूछ रहा है मुझसे. सो आई थिंक व्हाट आई विल चैलेंज ऑल द इंजीनियर्स, आई डोंट थिंक इंजीनियरिंग जॉब्स कम हो रही है. द फैक्ट दैट एनवीडिया इज मेड like you know something like an EC so mainstream, yes. electronics, so I don't think challenge engineering hai, that will be wrong to say. What is the challenge is what are we learning in engineering, hum kya seekh rahe hain? Hum wahi seekh rahe hain jo 100 saal pehle bhi shayad hamare alumni seekh rahe honge, ki hum naye concept seekh rahe hain. And maybe sometimes our education institutes are not able to upskill that quickly because duniya genuinely bahut jaldi change ho rahi hai, so then we'll have to take the onus of it on ourselves. Right. मैम, AI लाइक यू मैंशन दैट नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स. सो ये जो करिकुलम है वो अभी तो चेंज नहीं हुआ है कॉलेज में. बींग अ कॉलेज स्टूडेंट माई सेल्फ, आई नो कि वही पुराना कोर्स चल रहा है. नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट AI, बट देन कंपनीज आर आस्किंग फॉर दैट इन द, मतलब आपके रिज्यूमे में ये नहीं है, आपके कोर्स वर्क में इसमें से कुछ भी नहीं है, आपको ये स्किल्स नहीं है, तो वो तो फिर एजुकेशन सिस्टम में ही कहीं फॉल्ट है. मतलब इट्स नॉट ऑल्सो ऑन द स्टूडेंट कि वो कितना कुछ करे, वो अपना करिकुलम भी करे, वो AI भी पढ़े, वो कंपनी के हिसाब से भी पढ़े. सो दैट इज यू बींग ऑन सच अ सीनियर पोजिशन, आई एम श्योर दैट यू हैव सीन मैनी इंटरव्यूज ऑफ स्टूडेंट्स, सो वो गैप तो है ही. करेक्ट, राइट? बट अब एक चीज सोचो, अब सिस्टम को ब्लेम कर सकते हैं हम सारे स्टूडेंट्स मिलकर कि भाई देखो सिस्टम नहीं चल रहा, वो तो दिख रहा नहीं चल रहा, राइट? विच इज ओके, नाउ वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड हमें अपना फ्यूचर तो बनाना है ना. तो देन हम बोल सकते हैं हमारे तो कॉलेज कुछ नहीं कर रहा जी, राइट? बट दैट विल नॉट सॉल्व फॉर व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव. मेरे को लगता है कि आज के टाइम में इंफॉर्मेशन, अगर कोई कहता है कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है या मैं कहाँ से करूँ, मैं कैसे करूँ, आई डोंट थिंक दैट्स अ वैलिड पॉइंट एट ऑल टूडे. इंफॉर्मेशन इज extremely easily accessible, available at very low cost. मैंने अभी एक डाउनलोड करके कोर्सेरा से एक AI का कोर्स किया है. तो जब अपस्किल करना है एंड आई नीड दिस टू बी लाइक दिस इज द नीड ऑफ द आवर, अब मैं थोड़ी किसी कॉलेज जाके बोल रही हूँ कि नहीं मुझे पढ़ाओ, नहीं बट पढ़ना पड़ेगा बिकॉज यू नो दिस इज वेयर द फ्यूचर इज.
मैं टूल्स अलग अलग ट्राई कर रही हूँ कि अच्छा व्हाट आर डिफरेंट टूल्स दैट इम्प्रूव माय वर्क एफिशिएंसी, क्योंकि मुझे पता है नहीं तो मैं भी ऑब्सोलीट हो जाऊंगी बहुत जल्दी. राइट, एवरीबडी इज गोइंग टू गेट ऑब्सोलीट इफ यू आर नॉट अपस्किलिंग आवरसेल्व्स. एकदम एक सुनामी आ रही है टेक्नोलॉजी की एंड वी हैव टू गेट रेडी फॉर इट. अब वो कॉलेज हेल्प कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट हमें तो करना पड़ेगा. एंड कॉलेज में बहुत टाइम होता है हम लोग के पास, सबके पास. हम लोग पूरे टाइम वो कैफे में बैठ के कपड़े मार रहे होते थे. तो फिर टाइम की तो आई डोंट थिंक कॉलेज वालों के पास अभी तक इंडिया में इतनी कमी रहती है, बिकॉज़ इंजीनियरिंग लेवल पे एटलीस्ट मेरे कॉलेज में तो मेरे पास बहुत टाइम था. तो आई फील कोई गाइड कर देता तो हम और अपने इंजीनियरिंग के टाइम को बेटर कर सकते हैं. राइट मैम, यू मेंशन कि आईआईटी नहीं हुआ, विच इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स पेन, बट देन एनएसयूटी इज ऑल्सो टीयर वन कॉलेज. NSUT, DTU, IGDTU, ये दिल्ली में सब टीयर वन कॉलेजेस हैं. राइट, सो डू यू फील दैट द एलुमनाई नेटवर्क हेल्प्स यू? 100% आज NSUT के नेटवर्क में पार्क प्लस के CEO अमित जी हैं, फिर एलिवेशन कैपिटल के पार्टनर NSIT के सीनियर हैं, बहुत सारे एलुमनाई इंटरनेशनली सेटल्ड हैं. एंड आज मेरे को भी लगता था यार हमारा एलुमनाई ग्रुप तो बिल्कुल एक्टिव ही नहीं है. फिर किसी ने मुझे हमारे एक एलुमनाई नेटवर्क के व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया एंड आई डिस्कवर्ड सो मेनी जेम ऑफ पीपल हु हैव बीन माय एडवाइजर्स. विंजो के फाउंडर NSIT के हैं, तो एक हमारी खुद की अब एक कम्युनिटी बन रही है जो फाउंडर्स की और वेंचर कैपिटलिस्ट की निकल रही है, विच इज़ फैंटास्टिक, बिकॉज देन वी आर वेरी मोटिवेटेड टू हेल्प द फ्यूचर जनरेशन. राइट, बट एट दैट टाइम मैंने डिस्कवर्ड दैट व्हाट्सएप ग्रुप एंड वो कॉलेज ने नहीं बनवाया था, वो कॉलेज ने नहीं बोला था कि आप लोग कनेक्ट हो जाओ. इट वॉज एन इनिशिएटिव ऑफ फ्यू पीपल हु डिसाइडेड कि नहीं हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए ताकि हम लोग एक दूसरे से सीखें. सो देन आई थॉट कि यार सही भी है, व्हाई वाज आई कंप्लेनिंग कि यार एलुमनाई नेटवर्क यहाँ नहीं है, व्हाई कुडंट आई हैव बीन दैट पर्सन. अगर नहीं था तो कि यार ढूंढो या फिर क्रिएट करो एक. पीपल आर वॉन्टिंग टू कनेक्ट, पीपल आर वॉन्टिंग टू यू नो लर्न फ्रॉम ईच अदर. अगर आपके कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करता है आप बना लो. मैम डू यू फील कि लिंक्डइन इज स्टिल दैट रेलेवेंट राइट नाउ, दैट डज इट हेल्प? लाइक यू टॉक्ड अबाउट बिल्डिंग कनेक्शन, सो द कन्वेंशनल वे इज गो सर्च पीपल ऑन लिंक्डइन, सेंड देम रिक्वेस्ट एंड एवरीथिंग, बट अब आजकल बहुत वो हो गया दैट देर आर सो मेनी पीपल अगेन. नाउ एवरीबडी इज वेरी अवेयर, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर जॉब्स, the market is very competitive. So you do you think that reaching out to people on LinkedIn is still relevant? I send out so many LinkedIn requests still to people who I need help from and my hit rate is like 85-90% ki un log ka response wapas aa jata hai. On the other side, bahut sare log mujhe LinkedIn pe reach out karte hain jo otherwise there is no other way for them to know me, to connect with me. एंड मेरे को जहाँ लगता है जेन्युइनली कि वो जने का क्वेश्चन अच्छा है या फिर उसका इंटेंट अच्छा है, तो ऑन दी अदर साइड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट करते हैं जिनके पास अदरवाइज देयर इज नो अदर एक्सेस दैट दे हैव फॉर मी. तो आई स्टिल फील दैट द पावर ऑफ नेटवर्क इज स्ट्रॉन्ग कि आज क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज ऑन लिंक्डइन, तो आई थिंक कनेक्टिंग हैज बिकम ईजियर. Now there is a downside of when you know जब Facebook भी ऐसा मम्मी पापा सब लोग आ गए थे अब Facebook पे, so the quality of the content sometimes does suffer. Yes. But that's where you know people have also like mature founders आज के time पे X पे इतना सब कुछ है, so people are moving to X. तो वहाँ पे आप move करो, आप अपनी वहाँ profile बनाना चालू करो. Another great way is कि वहाँ पे follow people internationally जो लोग AI में कुछ कर रहे हैं, जो आगे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं. राइट, तो आप वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो. बट आई वुड बी लाइंग इफ आई से कि लिंक्डइन रेलेवेंट नहीं बचा है. आई स्टिल फील कि आज के टाइम में हर किसी को अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और कुछ नहीं तो एक प्रोफाइल ढंग की बनी हो इवन इफ यू नॉट पोस्टिंग. क्योंकि आज रिक्रूटर भी तो लिंक्डइन आपका आज कौन से रिज्यूमे में लिंक्डइन नहीं डालता बंदा. राइट, एवरीबडी is expected to add LinkedIn on your resume ताकि मैं फटाफट से आपकी profile देख पाऊँ. Right. तो in some way LinkedIn has become a baseline कि ये तो होना ही है. Right. वो उसके over and above आपने क्या किए हुए, क्या आप वहाँ content creator भी हो, क्या आप एक LinkedIn top voice हो कि नहीं, those are additional things. But क्या आप वहाँ हो, that itself I think is important still. Do you think it is important to have a social media presence in today's time? तो अगर आप देखोगे आज के टाइम में हम जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप लोग हमारी सुनो. इस कंटेंट को देख के ये कंपनी इतनी बड़ी हुई है. राइट, आज आप देखो इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके इतने फॉलोअर्स हैं,
वो अपना कंटेंट के थ्रू कितने सारे कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, कितने सारे नए प्रोडक्ट्स डिस्कवर हो रहे हैं. सो आई फील टुडे इफ यू नॉट अ क्रिएटर, एवरीबडी विल हैव टू बी अ क्रिएटर इन सम फॉर्म. आपको अपनी थॉट बाहर भेजनी ही पड़ेगी कि हु डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट आर यू डूइंग सो एक्सेप्शनल. कुछ कंटेंट तो आपको बनाना ही पड़ेगा बिकॉज द इकोनमी हैज़ बिकम सच दैट वी ऑल हैव टू हैव अ सोशल प्रेजेंस. मैं ये नहीं कह रही कि आज आप अगर नहीं बनाते हो तो कुछ बहुत हार्म है, बट द एडवांटेज ऑफ हैविंग इट इट इज मोर देन द लाइक यू नो द डिसएडवांटेज ऑफ नॉट हैविंग इट वाली चीज. करेक्ट. यस मैम, नाउ मूविंग ऑन टू द स्टार्टअप स्पेस. सो यू सेड दैट यू स्टार्टेड योर स्टार्टअप विद वन ऑफ योर फ्रेंड्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड. जी. तो हाउ इज दैट लाइक टेकिंग दैट स्टार्टअप फ्रॉम जीरो टू वन, मतलब फर्स्ट फंडिंग रेज करना, मतलब लोगों को अवेयर करना, गेटिंग द फर्स्ट कस्टमर, वॉट इज दैट प्रोसेस लाइक? बिकॉज समबडी वेन यू आर इन कॉलेज यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स, सो यू आर लाइक आई वॉन्ट टू गेट इन टू स्टार्टअप स्पेस. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू, बट देन दे डोंट हैव द राइट रिसोर्सेज, द राइट फ्रेमवर्क की अच्छा ऐसे ऐसे अगर हम स्टेप्स लेंगे तो हम खड़ा कर सकते हैं अपना स्टार्टअप. सो वॉट इज द फर्स्ट स्टेप, कैसी वो जर्नी कैसे होती है? So I'll say that one thing that has happened in the country is ki Shark Tank has made startups a household name. Yes. Aaj har koi aur uske parents bhi, you know, aaj meri mummy ko bhi hota hai mujhe idea aa raha hai kaisa lag raha hai. Right? So everybody is aspiring in the country to have their own small, medium, large business. Yes. Which is fantastic kyunki jobs us speed se nahi create ho rahi hai ki hum sabko jobs de paaye. बट अगर आप अपनी स्टार्टअप में खुद को एम्प्लॉय करके अपने खर्चे निकाल पा रहे हो, दो और लोग के खर्चे निकाल पा रहे हो, पांच और लोग के खर्चे निकाल पा रहे हो, 500 लोग के खर्चे निकाल पा रहे हो, दैट इज़ फैंटास्टिक फॉर द इकोनमी. दैट इज़ द राइट थिंग एंड दैट इज़ वाई द प्राइम मिनिस्टर्स फोकस ऑन द स्टार्टअप इको सिस्टम एंड यू नो बिल्डिंग इट. दैट इज़ देयर. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बट द फ्लिप साइड इज वंशिका कि बहुत सारे लोग एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में चले गए हैं कि यार कोई भी कर लेगा. They are not seeing that, अच्छा ठीक है यार स्टार्टअप फाउंडर होना when you are becoming large and सब कुछ हो रहा है is very sexy कि यार limelight है, ये है, आप Forbes के cover page पे हो, but a lot of grind goes behind starting up. जब मैं स्टार्टअप चला रही थी मेरे पास मेरे स्टैनफोर्ड का बहुत बड़ा लोन था. ठीक है, हम लोग एक बहुत लाइक यू नो नॉर्मल एक घर में रह रहे हैं. मतलब मैं स्टारबक्स की कॉफ़ी लेने से पहले सोचती हूँ, अभी भी सोचती हूँ, आई मीन नहीं यार 500 की कॉफ़ी मैं कैसे अफोर्ड करूँ. आई मीन ऑनेस्ट बिकॉज मेरी सेविंग्स नहीं हुई उस वक्त, एंड क्योंकि स्टार्टअप चला नहीं तो ऐसा कुछ पैसा भी नहीं बना उसमें. हम लोग उस वक्त सैलरी ले रहे थे 1/3, 1/5 ऑफ व्हाट वी वुड हैव मेड अदरवाइज, क्योंकि आप अपनी इक्विटी पे बेट कर रहे हो ना, एंड समवन एल्सस मनी आपने लिया है तो आपको उसको पहले यू हैव टू गिव हिम द मनी, यू कांट टेक अ हैवी सैलरी व्हेन यू आर डूइंग अ स्टार्टअप. तो जितना वो ग्लैमरस है उसके बिहाइंड द सीन्स, आई वाज टॉकिंग टू अ फाउंडर हुज वेरी बिग एंड आई डोंट वांट टू नेम हिज नेम, बट वो कह रहे हैं एट द अर्ली स्टेजेस महक मुझे अपने बच्चे की फीस के लिए किसी से पैसे मांगने पड़े थे. आई डिडंट हैव द मनी टू पे द फीस ऑफ माय चाइल्ड, मुझे उसके लिए हाथ फैलाना पड़ रहा था एट द एज ऑफ लाइक यू नो 35. तो स्टार्टअप करना बहुत आसान बिल्कुल नहीं है. पीपल शुड डू इट फॉर द राइट रीजंस, नॉट बिकॉज कि यार अच्छा क्यों करना है, क्योंकि मुझे तो फाउंडर बनना है, ये थोड़ी आंसर हुआ. आंसर भी कुछ सॉल्व करना है, कुछ प्रॉब्लम रियल आइडेंटिफाई करनी है. नॉट टू योर क्वेश्चन अबाउट कैसे करनी है वो जीरो टू वन की जर्नी, वो स्टार्ट करके ही होगी. यू कांट जस्ट कीप थिंकिंग कि अरे ये आइडिया अच्छा लग रहा है, कल को किसी और ने कर दिया, अरे ये तो सेम आइडिया जो मैंने किए. आइडिया सेम ही होते हैं, आइडियाज आर वेरी चीप एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉन्स्टेंटली सेड कि आइडियाज आर वेरी चीप. इट इज रियली द एग्जीक्यूशन कि आप उस आइडिया को लेके भागे कि नहीं यार चलो अब इसमें कुछ बनाया जाए. एंड टॉक टू 50,000 पीपल, टॉक टू पीपल, बी क्यूरियस. रिक्शे वाले से भी बात करो, जो घर बना रहे उससे भी बात करो, जो आज सब्जी मंडी में जाओ वहाँ पे भी बात करो. जस्ट ट्राई टू सी व्हाट आर पीपल डूइंग डिफरेंटली. द इकोनमी इज गोइंग टू डबल इन नेक्स्ट 5 years, राइट? तो कंजम्पशन हमारी कंट्री का खुद का इज गोइंग टू इंक्रीज मैसिवली. तो हम एकदम एक गोल्डन एरा में हैं डेफिनेटली, एंड उसमें हाउ डू वी एंड अप यू नो फाइंडिंग द राइट अपॉर्चुनिटीज, बट वो सिर्फ करके ही होगा. There is no golden rule book. आज अगर आप मेरी स्टार्टअप की स्टार्टिंग की एड्स वगैरह देखोगे आप कहोगे ये कितनी बेकार एड्स बनाई थी है कि आपने स्टैनफोर्ड से पढ़ के आके आपने ये एड्स बनाई है. बिकॉज उस वक्त आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप एक डिज़ाइनर रखो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप खुद ही अपने रूम में बैठ के कुछ कुछ बना रहे हो. बट वैसे ही चालू करना पड़ेगा.
And in some way, I would say that look at startups outside or look at VCs outside. Vinod Khosla gives a lot of input on कैसे आपको pitch करना चाहिए, कैसे आपको PPT बनानी चाहिए, कैसे आपको idea validate करना चाहिए. कोई अगर startups के लिए बहुत serious है तो Y Combinator ज़रूर follow करना चाहिए. Because Y Combinator में they also have the list of ideas जो उन्हें लगता होने चाहिए. Right? So you are also getting a bank of you know potential ideas that they're requesting for. Right. Then आपका obviously India में भी Peak 15 हो गया, आपके Matrix हो गया, Axel हो गया. इन सब के कुछ कुछ इवेंट्स होते रहते हैं फाउंडर्स के लिए. फाइंड वेज टू एंटर इनटू दोज इवेंट्स, है ना. एंड सारे वीसीज दे रिकॉर्ड सो मेनी पॉडकास्ट जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. फॉलो द राइट पीपल, राइट. अल्टीमेटली हु डू यू फॉलो विल डिसाइड कि आप क्या सीख रहे हो. कॉन्टेंट क्योंकि इतना सारा है, यू कुड बी स्पेंडिंग सी एज हाउ आई स्पेंड माई टाइम ऑन सोशल मीडिया वर्सेज यू माइट बी वेरी डिफरेंट. राइट. हु डू आई फॉलो, हु डू आई लिसन टू, दैट्स मेकिंग माई ओपिनियन, राइट. तो आपको सही जना पहले आइडेंटिफाई करना है कि मैं सुनूं किसकी. एंड वी आर ऑल्सो वेरी प्रिविलेज इन दिस एज क्योंकि पहले तो ऐसे कि जो आपका एनवायरनमेंट है वो है. नाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन एनवायरनमेंट. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट वंशिका. सो मैम, अबाउट एमबीए नाउ. सो यू डिड योर एमबीए फ्रॉम स्टैनफोर्ड. जी. यू वर द फर्स्ट वुमन फ्रॉम एनएसआईटी टू गेट इनटू स्टैनफोर्ड फॉर द बिजनेस स्कूल साइड. फॉर द बिजनेस स्कूल साइड, या. सो मैम, एमबीए स्पेस नाउ, बिकॉज एमबीए कैसा है कि अगर आपने कॉमर्स लिया है, साइंस लिया है, इरिस्पेक्टिव, उसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद मोस्टली पीपल इन इंडिया लाइक चलो हम एमबीए कर लेंगे. उसमें भी अब बहुत कॉम्पिटिशन है. देर आर सो मेनी पीपल अप्लाइंग फॉर एग्जाम्स, देर आर सो मेनी पीपल गेटिंग 90 percentile. 90 percentile तो कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं मिलता है एडमिशन उसमें. सो डू यू थिंक दैट अब ये स्पेस भी बहुत डाइल्यूट हो गया है एंड देर आर बेटर थिंग्स नाउ देन एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इट इज स्टिल समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल शुड डू बिकॉज इट गिव्स यू अनदर विजन जो आपको इंजीनियरिंग नहीं दे पाया. डू यू स्टिल फील दैट एमबीए इज वेरी रेलेवेंट एंड अ लॉट ऑफ पीपल टू शुड गो टूवर्ड्स दैट साइड. सी, आई फील इट बी वेरी प्रीची फॉर मी टू से कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए बिकॉज आई फील सबके सर्कमस्टांसेस ना बहुत यूनिक हैं, बहुत डिफरेंट हैं. बट हाँ, अगर मैं यू नो अपने आप को रखूँ कि मैंने क्यों किया, मुझे ऐसा लगता है आई वॉज जस्ट जेन्युइनली फीलिंग स्टक इन माई अबिलिटी टू थिंक बिगर. आई वॉज जेन्युइनली फीलिंग स्टक कि यार इसका डिसीजन लूँ कैसे. तो पहले तो आई थिंक क्वेश्चन पूछो कि रैट रेस में मत लगो. एमबीए करना क्यों है, क्या ये क्लैरिटी है. विच इज़ वाई जो जने डायरेक्टली इंजीनियरिंग के बाद एमबीए कर रहे हैं, मुझे जेन्युइनली नहीं समझ आ रहा है कि आपको अभी क्या चमका है कि वाई आर यू डूइंग एन एमबीए राइट आउट ऑफ एन इंजीनियरिंग कॉलेज. आपने कहीं काम नहीं किया है, आपने अभी कहीं यू नो यू हैव नॉट हैड एनी वर्क एक्सपीरियंस बिहाइंड योर बैक, तो फिर आपको कैसे रियलाइज हो रहा है कि आपको एमबीए करना चाहिए. इट इज़ मोस्टली कि यहाँ पे सैलरी अभी अच्छी नहीं मिल रही, वी डिडंट गेट अ गुड प्लेसमेंट, सो लेट्स गो फॉर एमबीए, लेट्स स्टडी फॉर टू मोर इयर्स एंड देन सी दैट व्हाट जॉब वी आर गेटिंग. दैट इज द माइंडसेट फॉर पीपल हु आर डूइंग एन एमबीए स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज. या सी, वो पॉइंट ठीक है वंशिका. माई एंटायर थिंग इज, देखो आज ना आप जब एमबीए कर रहे हो, स्पेशली अगर आप एक बहुत बड़े कॉलेज से कर रहे हो, इवन इन इंडिया आई थिंक मास्टर्स इंडियन की फीस आज के टाइम में 26-27 lakh है 16 महीने की एमबीए के लिए, राइट. तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, ठीक है. हो सकता है कि आप अगर डायरेक्टली कॉलेज के बाद भी एमबीए कर रहे हो तो भी शायद आपके पास यू नो यू विल गेट अ सैलरी हाइक, नो डाउट अबाउट इट. बट क्या आपकी लर्निंग, मतलब मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन हायर स्टडी से जो अभी है, स्पेशली आफ्टर हैविंग स्टडीड आउटसाइड स्टैनफोर्ड में, नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट कि नहीं स्टैनफोर्ड मेरी कितने की जॉब लगवा पाएगा. पीपल वर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग मैं यहाँ से सबसे बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ कैसे बनूंगी, राइट. हाउ डू आई लर्न सो मच, क्योंकि अगर आपकी लर्निंग सही है, आपने अगर सीख सही ली है, जॉब भी मिल जाएगी. एंड आप ये सोचो, आई यू ऑप्टिमाइजिंग ओनली फॉर द फर्स्ट जॉब आफ्टर एमबीए, उसके बाद के 50 साल का करियर नहीं है आपका, राइट. सो इन दैट केस हाउ कैन यू जस्ट थिंक अबाउट दैट वन पोस्ट एमबीए जॉब, क्योंकि एक एमबीए चलो बहुत अच्छे कॉलेज में आपने घुस गए, सब कुछ कर लिया, वो आपको एक हाई पेइंग जॉब भी दिला देगा क्योंकि उस कॉलेज से अच्छे ही जॉब्स निकलते हैं सपोज. बट विल यू बी एबल टू सस्टेन इन दैट जॉब, विल यू बी एबल टू ग्रो इन दैट जॉब, राइट. एंड विच इज़ वाई आपको टैग इकट्ठे नहीं करने हैं, आपको लर्निंग इकट्ठी करनी है फॉर योर ग्रोथ. यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. आज मास्टर्स यूनियन में लोग आईएएस भी छोड़ के आ रहे हैं, आईएएम्स छोड़ के आ रहे हैं,
इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि नहीं यार टैग शायद छोटा है, ब्रांड आज हमारी नहीं है, बट क्या उसके बाद भी हम कुछ ऐसा सीख पा रहे हैं जो लाइफ लॉन्ग चले. एंड इस कोहर्ट में हमारे कोहर्ट ऑफ 24 विच विल ग्रेजुएट दिस ईयर, देर आर पीपल हु हैव टर्म शीट कमिटमेंट्स ऑफ अप टू 20 crore. मतलब जो टीम्स निकली हैं, देर आर 25 लोग ऐसे हैं वंशिका, हमारे कोहर्ट 200 बच्चों का कोहर्ट था, उसमें से 25 लोग ऐसे हैं जो जॉब से ऑप्ट आउट कर गए हैं, वो कह रहे हैं हमें स्टार्टअप बनानी है, एंड उस पूल में इतनी फंड रेजिंग ऑलरेडी हो रही है. राइट. तो वो लर्निंग एबिलिटी आई ना, जबकि हमारी तो ब्रांड नहीं है, और आपको पता है कि IITs एंड IIMs के बाहर कितनी ही कम फंडिंग जाती है. Right. उसके बाद भी लोग फंडिंग दे रहे हैं बच्चों को, बिकॉज दे कैन सी दैट फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है, लॉजिकल है, हसल है, ओनरशिप है, ऑल द राइट इन्ग्रीडियंट्स. तो देन माई पॉइंट इज कि कहीं भी जाओ, एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग मोर देन जस्ट अ स्टैम्प. राइट. देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर दैट. यस मैम, वॉट इज वन थिंग दैट यू वुड सजेस्ट, कि वॉट इज वन थिंग दैट यू फील दैट यू कुड हैव डन डिफरेंटली, एंड वॉट इज वन एडवाइस दैट यू हैव फॉर द यूथ नाउ? आई थिंक जब लाइफ में कोई सेटबैक आता है, ऐसा लगता है लाइफ खत्म हो गई है. लाइफ खत्म तब हो रही है जब हम उस पॉइंट पे रुक जाते हैं. यू नो स्टीव जॉब्स सेज वेरी पॉपुलरली कि डॉट्स कनेक्ट लुकिंग बैकवर्ड. मेरा सबसे बड़ा फियर अपने लिए भी और बाकी यूथ के लिए भी होता है कि अच्छा व्हाट इफ आप एक डॉट पे खड़े हो, वो एक डाउन डॉट है, उसके बाद एक ऊपर की डॉट है आगे लाइफ में, बट आपने ना यहाँ गिव अप कर दिया क्योंकि आप इतने ज़्यादा डिप्रेस हो गए, इतने ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई, आपने मेहनत करनी ही बंद कर दी. बिकॉज यू लाइक कि यार सब कुछ मेरे लिए अगेंस्ट जा रहा है. देयर विल बी टाइम्स आपके अगेंस्ट पूरी दुनिया होगी. राइट. लाइफ इज जेन्युइनली नॉट ईजी. राइट. बट क्या आप फिर भी एक छोटा छोटा स्टेप लेके कि नहीं यार मुझे फिर भी मेहनत करनी है, आप क्या वो सीढ़ी चढ़ने की हिम्मत रख रहे हो? बिकॉज इफ़ यू डिसाइड टू स्टॉप एट दैट डॉट, देन दैट इज योर लाइफ. फेयर. सो माई ओनली होप फॉर ऑल ऑफ अस इज दैट कैन वी कंटिन्यू टू जस्ट कीप डूइंग स्मॉल डिसिप्लिन थिंग्स. क्या नहीं, अगर डिसाइड किए बुक खत्म करनी है तो चाहे 10 पेज पढ़ूंगा आज मैं, बट वो पढ़ूंगा. आज मैंने AI के बारे में सीखना है तो आज क्या मैंने कोई चीज़ सीखी नहीं. What is, how are you a better version of yourself from the previous day? Compounding ना बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है. Right? Those small compoundings will decide how you end up in your life. And don't stop at a down dot, because वही life बन जाएगी फिर. मतलब मेरा सबसे बड़ा फियर ये होता है कि एक डाउन डॉट पे रुक गए तो हमें पता ही नहीं हम क्या अचीव कर सकते थे. मेरे को तो किसी ने नहीं बोला था कि स्टैनफोर्ड जाने का रास्ता है, बट एक था कि चलो यार ट्राई करते हैं. नहीं तो वॉट इज देयर टू लूज? देयर इज नथिंग टू लूज. एग्जैक्टली. एंड कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग के पास, तो ये ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है कि आपकी अभी कोई, मतलब आज मेरी कुछ है ही नहीं, आई एम नोबडी, तो लूज करने को कुछ है नहीं ना. दो लोग हंस लेंगे कि नहीं हुआ आपसे, कोई बात नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होएगा लाइफ में. बट इमेजिन ऑन द फ्लिप साइड, ट्राई नहीं किया. राइट. द अपसाइड इज सो मच बिगर देन द डाउन साइड. तो वो सोच लो बस. हर बार कोई चीज करने लगो कि यार कोई नहीं, हंसेंगे थोड़े लोग, कहेंगे पागल है, कोई बात नहीं. करेक्ट. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू, एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेटिंग पीपल दैट आई हैव मेट. समबडी आई रियली लुक अप टू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे. नो, थैंक यू सो मच वंशिका फॉर डूइंग दिस, एंड इट्स अ ऑनर टू बी हियर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ कॉलेज वाला. एंड आई थिंक यू ऑल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑफ helping put really good quality content, ताकि हम बस ऐसे स्वाइप ना करते रहें फालतू चीज़ों पे. So thank you to you, your entire team for inviting me here today. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for watching. That was it for today.